ताज नगरी में कटरा मदारी खान क्षेत्र स्थित दरगाह हजरत मुजफ्फर शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़ी अकीदत और धूमधाम के साथ मनाया गया। उर्स के इस मौके पर दरगाह शरीफ में आने वाले जायरीनों का तांता लगा रहा और माहौल रूहानी रंग में रंगा नजर आया। महफिल समा से सजी ये रूहानी शाम का मंजर आगरा में मौजूद एक बेहद पाए के बुजुर्ग के दरबार में नजर आया। ताज नगरी में कटरा मदारी खान क्षेत्र में आराम फरमा बुजुर्ग हजरत मुजफ्फर शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में उर्स बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर आगरा और आसपास के ज़िलों के अलावा दूर दराज से जायरीन ने आकर उर्स में शिरकत की और सवाब हासिल किया। कटरा मदारी गांव में हजरत मुजफ्फर शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया जा रहा है, जो हर साल मनाया जाता है। ये मेरी 52 साल की उम्र है। मैंने जब से उर्स संभाला तब से देखता चला रहा हूँ और बड़े जोश और खरोश के साथ ये उर्स होता था। कोरोना काल की वजह से जो थोड़े हालात ऐसे हैं, इस वजह से थोड़ा उर्स में थोड़ी कमी आई है और आर्थिक संकटों की वजह से भी, और लेकिन जायरीनों का और श्रद्धालुओं का कोई कमी नहीं है। वो आज भी फिरोजाबाद, अलीगढ़ और मथुरा से लोग उर्स के अंदर शरीक होने के लिए आते हैं। काफ़ी समय से मनाया जा रहा है और बाहर से कबल वगैरह आते हैं, सुबह लंगर का इंतजाम है और आज दिन में लंगर चलता है, कल कोल शरीफ है। ये बहुत अच्छी तरह से उर्स मनाया जाता है। कल ये 6000 साल पुराना उर्स है और यहाँ बाहर के कब्बाल आते हैं और बहुत धूमधाम से हिंदू मुसलमान सब उर्स मनाते हैं, सब शामिल होते हैं इसमें। उर्स के मौके पर शबेदारी का एहतमाम किया गया और सुबह कुल की रस्म अदा की गई।